आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की छात्र विंग, आपका अपना छात्र संघ द्वारा जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर छात्रों से राय शुमारी का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को दिल्ली के कॉलेजों के बाहर छात्र संवाद को लेकर अभियान जारी रहा। इसी कड़ी में होलम्बी कला में स्थित DIRD कॉलेज के बाहर छात्रों से संवाद करने पहुंची छात्र संघ की टीम छात्रों से तो संवाद नहीं कर पाए। इसकी वजह ये बताई गई कि यहां छात्र 15 सितंबर के बाद क्लास लेने पहुंचेंगे। इसी बीच टोटल खबरें की विशेष कवरेज जारी थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब मौके पर पहुंचकर यहां मौजूद छात्र संघ की सदस्य से बात की तो सुनिए छात्रा ने क्या कहा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ का जो है कि अभियान जो है फिर से शुरू हो गया है चार दिन के गैप के बाद, क्योंकि चार दिन से छुट्टियां चल रही थी दिल्ली में। G20 को लेकर जो है कि काफ़ी हलचल थी और G20 की बैठक जो है, जैसे बताया गया है कि अधिवेशन जो हुआ है दो दिन का, बड़े सफलतापूर्वक रहा। और यहाँ पर आज हम होलम्बी कला के जो DIRD कॉलेज में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि छात्र नहीं है, आपका अपना छात्र संघ जो है कि संवाद करने आया। यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद एडमिशन होंगे, लेकिन हमने जो है कि छात्र संघ के साथ जुड़ी जो छात्रा से बात करी जो है, क्योंकि वो काफ़ी कॉलेज पीछे जो है कि करते आ रहे हैं, और हमने उनसे बात करी तो उनका कहना है कि भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि बात टोटल खबरें से बातचीत के दौरान उनकी क्या जो है कि विचार उन्होंने रखे, क्या उन्होंने बातें कही और कितने कॉलेज उन्होंने अभी तक जो है कर चुके हैं, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति, क्या आप जो है कि आपका अपने तो क्या अभियान आपका चल रहा है, कहाँ तक अभी पहुँचा अभियान और आज आप आए यहाँ, पता चला कॉलेज बंद है? हाँ, कॉलेज, इस कॉलेज में 15 तारीख के बाद में एडमिशन होगा ना। यहाँ पे आज बच्चे का संवाद नहीं हो पाया? नहीं, यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ, और पहले भी हम मतलब 40 से 50 कॉलेज कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था हमारा। हाँ जी, 40-50 कॉलेज में किया तो वहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा था? वहाँ पर भी रिस्पॉन्स मतलब अच्छा था, कि उन्होंने भी कहा था कि मतलब कास्ट वगैरह तो खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, और कोई कोई था कि जो नहीं बोला था कि नहीं खत्म करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा आप जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे, सबसे पहले आपका सवाल क्या होता है जब पूछते हैं? हम उनसे पूछते हैं कि मतलब जैसे कास्ट होती है SC OBC वगैरह जो भी होते हैं जनरल वगैरह, तो उनको मतलब जो कास्ट उनकी जो होती है उनको खत्म करना चाहिए, मतलब जैसे भेदभाव वगैरह होता है वो सब। तो वो बोलते हैं कि कोई कोई तो बोलता है कि जनरल को मतलब पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, SC OBC को देते हैं, तो फिर SC OBC वाले भी तो उनको भी तो पहले मतलब काफ़ी कुछ देखना पड़ा था, तब जाके उनको भी अब अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले जनरल को, फिर जनरल को भी रखते हैं अभी। हाँ, तो नहीं तो ऐसा वो कहते हैं कि हाँ भी कास्ट खत्म होना चाहिए। हाँ जी, उनको भी वो भी बोलते हैं सारे कास्ट अच्छा, खत्म होनी चाहिए। तो वो जो है कि मतलब आपकी बातों का जो है कि समर्थन करते हैं। हाँ जी, तो आज यहाँ पे आपको स्टूडेंट नहीं मिले यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर अभी तो नहीं, आज तो संवाद हो नहीं पाया होगा फिर? नहीं, अभी तो नहीं हो पाया। अच्छा, तो कितना और आपका लंबा चलेगा ये? अभी 3-4 कॉलेज और है, तो वहाँ पर जाके अभी पता करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज और भी कहीं कॉलेज वगैरह? हाँ जी, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज? अभी तो नरेला है, बाकी तो पता नहीं अभी। अच्छा अच्छा,